बोलबम, और अभी हम लोगों का कांवर पूजा हो रहा है। बोलबम बोलबम बोलबम। तो कैसा लग रहा है कांवर यात्रा? बहुत अच्छा, आनंद ही आनंद है। आप देख सकते हैं कांवरिया पथ में किस तरह से कांवरियों की भीड़ लगी पड़ी है, और ये चिलचिलाती धूप में आप देख सकते हैं कि कांवड़ यात्रा यहाँ पे चल रही है। काफी थक चुके हैं हम लोग, तो थोड़ा सा चाय पानी अभी यहाँ पे पियेंगे। हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि पैदल ही 105 किलोमीटर चलना है, चाहे धूप हो या छांव या फिर भारी बरसात। हर हर महादेव, हर महादेव, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, हर हर महादेव बोल बम। स्वागत है दोस्तों कांवड़ यात्रा के सेकेंड ब्लॉग में। आज डे टू है, और डे टू में आप लोगों को मैं असरगंज से आगे का कांवरिया पथ को दिखाऊंगा और आगे का कांवर यात्रा को दिखाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आप पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा डे वन का वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के हमारा वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, अब हम लोग यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। बोलबम, और अभी हम लोगों का कांवर पूजा हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सोनू बम कांवर पूजा को कर रहे हैं अभी, और यहाँ पे सभी कांवर को स्टैंड किया गया था, और रात्रि में हम लोग यहीं पे विश्राम किए थे। आप देख सकते हैं इसी होटल में हम लोग रात्रि में विश्राम किए हुए थे। बोलबम 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 बोलबम। हम लोगों को शुद्धि जल का छिड़काव किया जा रहा है, और जो भी गलती सलती हो माफ करे भगवान भोलेनाथ। और हम लोग यहाँ से बस कांवर उठाते ही कांवर यात्रा को प्रारंभ करेंगे, जो भी गलती हो उठक बैठक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोलबम बोलबम बोलबम। अगर आप कांवर को स्टैंड करते हैं तो आपको उठक बैठक लगाना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद आप गलती क्षमा प्रार्थना करने के बाद ही आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की यात्रा आप लोगों को दिखाते हैं। बोलबम बोलबम बोलबम। और आप देख सकते हैं कांवरिया पथ में कांवरियों की भीड़। बोलबम 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 संतोष बम बोलबम। तो कैसा लग रहा है कांवर यात्रा? बहुत अच्छा, आनंद ही आनंद है। अब ये देख सकते हैं कि हमारा भी एक कांवर और अपना भी एक कांवर, दोनों कांवर को कंधे में लेकर के अभी पैदल चल रहे हैं। उसके बाद कुछ दूर के बाद हम भी अपने कांवर को कंधे में लेंगे और बाबा बैजनाथ धाम पैदल यात्रा करते हुए पहुंचेंगे। बोलबम बोलबम। और इधर देख सकते हैं काफी कांवरिया लोग अभी आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, और गाना तो पूरा कांवरिया पथ में बजते ही जा रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। बोलबम बोलबम छोटू बम बोलबम बोलबम। लखनपुर हम लोग पहुंच चुके हैं बम, आप देख सकते हैं, और लखनपुर में आप देख सकते हैं किस तरह से कांवरियों की भीड़ है। और आज पहला सोमवार का दूसरा दिन, मतलब मंगलवार का दिन है। बोलबम, और इधर सोनू बम। बोलबम 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 बोलबम। और देख सकते हैं कांवरिया पथ में किस तरह से कांवरियों की भीड़। आज पहला सोमवार का दूसरा दिन, आज मंगलवार का दिन, आप देख सकते हैं कांवरिया पथ में किस तरह से कांवरियों की भीड़ लगी पड़ी है। बोलबम 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 दोस्तों। और अभी हम लोग लगभग तारापुर के समीप में पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं कांवरिया पथ में किस तरह से कांवरियों की भीड़ अभी है। और आज आप लोगों को मैं बता दूं, आज पहला सोमवार का दूसरा दिन है, मंगलवार का दिन है, और सुबह 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 के 7 बज रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से कांवरिया पथ में भीड़ है। और सभी बोलबम बोलबम का नारा लगाते हुए बाबा बैजनाथ धाम मंदिर को प्रस्थान कर रहे हैं। और आज का ये सेकेंड डे का ब्लॉग में आप लोगों को बोलबम बोलबम बोलबम। और इधर देख सकते हैं आज फिर से हमारे सेकंड डे में संतोष बम और सोनू बम, और इधर हमारे गोविंदा बम है। गोविंदा बम बोल बम बोल बम। और एक बम हमारा कहीं है पीछे में, और इधर आप देख सकते हैं कांवर पूजा। अगर आप कांवर स्टैंड करते हैं और यहां पे रात्रि में विश्राम करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को कांवर पूजा करने के बाद ही यहां से प्रस्थान करना पड़ती है। बोलबम। और अभी हम लोग तारापुर से लगभग 1 किलोमीटर पीछे में हैं, और अभी हम लोग अभी अपने कांवर को थोड़ा सा विराम दे रहे हैं और पैरों को भी थोड़ा सा आराम देंगे, और काफ़ी थक चुके हैं हम लोग, तो थोड़ा सा चाय पानी अभी यहाँ पे पियेंगे, उसके बाद फिर आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। बोलबम बोलबम। और अभी देख सकते हैं हमारे सभी कांवरिया बम एक साथ मिल चुके हैं और यहाँ पे आराम कर रहे हैं सबको। इधर शैलेश बम है, और इधर संजय बम बोलबम, और इधर हमारे बेटा बम है बोलबम। तो अभी हम लोग कितना दूरी तय कर चुके हैं सुल्तानगंज से यहाँ तक?
लगभग 20 किलोमीटर तय कर चुके, मतलब हम लोग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और हम लोग लगभग तारापुर के समीप में बैठे हुए हैं। तो आज सेकेंड डे है और उसके बाद अभी कंटिन्यू रहेगा हम लोगों का ये कांवर यात्रा का ब्लॉग, और देखते हैं हम लोगों को जिलेबिया पहाड़ तक पहुंचने का टारगेट है। अब देखते हैं कितना समय लगता है हम लोगों को जिलेबिया पहाड़ पहुंचने में। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा। जल का छिड़काव हमारे बम जी कर रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं हमारा कांवर यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं रंग बिरंगी कांवर और कांवरों में ये घुंघरू और ये लचकदार कांवर और फिर यहाँ पे गंगा जल काफ़ी सुंदर लग रहा है कांवर को देख करके। और फिर कांवर में धूप अगरबत्ती जला करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और उठक बैठक लगाते हुए बाबा बैजनाथ गलती सलती को माफ़ करें। बोल बम बोल बम। तो आप लोग भी कंटिन्यू बने रहिए, आगे की कांवर यात्रा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। बोल बम। और हम लोग यहाँ से कांवर यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे भरतेंदु बम है और पीछे में आप लोगों को दिखा रहे हैं सोनू बम बोल बम बोल बम। और इधर आप देख सकते हैं संजय बम बोल बम, अरुण बम, संतोष बम, और इधर आप गोविंद बम, और हमारे इधर पीछे दो बम और है शैलेश बम और शंकर बम। हम लोग एक साथ पहली बार हम लोग सभी कांवरिया बम मिले हैं। नहीं तो आगे क्या होता था कि हम लोग कुछ कांवरिया बम आगे चल जाते थे, कुछ पीछे रह जाते थे, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत भी होती थी। तो आज फाइनली हम लोगों को एक साथ सभी को मिलना हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। सभी को हम लोगों यहाँ पे नाश्ता वगैरह किए हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से यात्रा को प्रारंभ कर दिए हैं। तो अभी देखते हैं कितनी दूरी तय कर पाते हैं। आप लोग भी कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिएगा। बोल बम बोल बम। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग हैं जो नारियल बेच रहे हैं यहाँ पे। कितने रुपये में नारियल बेचते हैं? 10 रुपया। 10 रुपया में। घर कहाँ है आप लोग का? असरगंज ना। तो देख सकते हैं अगर आप लोग कांवर यात्रा किए होंगे या कर रहे होंगे तो इस तरह से बच्चे लोग आप लोगों को मिलेंगे रास्ते में जो नारियल बेचते हैं। तो आप लोगों को अगर नारियल खाने का मन करे तो जरूर इन लोगों से खरीदिएगा, आप लोग का सेवा में लगे रहते हैं। बोल बम बोल बम दोस्तों। और देख सकते हैं कि अभी आज मैं कांवर यात्रा में मौजूद हूं और कांवर यात्रा को कर रहा हूं। तो अभी देख सकते हैं कांवरिया पथ को किस तरह से कांवरियों की भीड़ है, और आप लोगों को कांवर यात्रा का ब्लॉग भी दिखा रहा हूं। बोल बम बोल बम। और मेरे कंधे में भी देख सकते हैं कांवर है। बोल बम हर हर महादेव हर महादेव। और ये चिलचिलाती धूप में आप देख सकते हैं कि कांवर यात्रा यहाँ पर चल रही है, और कांवरिया बम एक कांवर को लेकर के चलते हैं और हमारे संतोष बम डबल कांवर को लेकर के चल रहे हैं। बोल बम बोल बम बोल बम हर हर महादेव। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे महादेव कितनी बड़ी परीक्षा ले रहे हैं, और इस चिलचिलाती धूप में हम लोगों को पैदल नंगे पांव कांवर यात्रा को करना पड़ रहा है। क्योंकि जब हम लोग जल संकल्प करवाए थे सुल्तानगंज में, तब हम लोगों ने यह संकल्प लिया था कि पैदल ही 105 किलोमीटर चलना है, चाहे धूप हो या छांव या फिर भारी बरसात। तो हम लोग को पैदल 105 किलोमीटर बाबा बैजनाथ धाम पहुंचना है। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव हर महादेव। बोल बम बोल बम बोल कंवरिया बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलो बम बोल बम बोल बम। अब देख सकते हैं इधर सेवा शिविर लगा है जहाँ पे कांवरिया झूम रहे हैं। आप देख रहे होंगे लाइव यहाँ पे चल रहा है। मेरे पास समय नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख रहे हैं नाचते हुए झूमते हुए सभी से कांवरिया बम आ रहे हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग मनिया मोड़ के पास में करीब पहुंच चुके हैं। मनिया मोड़ से 1 किलोमीटर पीछे हैं और आज हमारा कांवर यात्रा का सेकेंड डे है, दूसरा दिन। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल कंवरिया बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम आगे बम बोल बम पीछे बम कांवर वाले बम पिट्ठू बम बोल बम। बाबा की नगरिया दूर है जाना जरूर है। बाबा की नगरी दूर है जाना जरूर है। बाबा की नगरी दूर है जाना जरूर है। बोल बम बोल बम। और आप देख सकते हैं कि हम लोग कुमारसार नदी के पास में आ चुके हैं, और ये रहा कुमारसार नदी का प्रवेश द्वार। बोल बम बोल बम। और आप देख सकते हैं कुमारसार नदी में किस तरह से कांवरियों की भीड़ है, आप देख रहे होंगे। बोल बोल बम दोस्तों। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये कुमारसार नदी है। कांवरिया अक्सर कुमारसार नदी के इंतजार में रहते हैं कि कब हम कुमारसार नदी पहुंचे, और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए कुमारसार नदी में पहुँचिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बुट्टा बिकता है, और यहाँ सबसे प्रसिद्ध जो खाने का चीज़ होता है वो बुट्टा ही होता है।
जो ज़्यादातर कांवरियाँ यहाँ पे पहुँचने के बाद खाते भी हैं। और आप लोगों को मैं नदी दिखाना चाहता हूँ, और नदी में किस तरह से पानी है इस बार कुमारसार नदी में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप वीडियो पे बने रहिए, चलिए प्रणाम करते हुए चलते हैं। जय गंगा, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और आप देख सकते हैं कुमारसार नदी में कांवरिया पांव धोते हुए निकल रहे हैं, बोल बम। और देख सकते हैं नदी का चारों तरफ का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बोल बम बोल बम। देख सकते हैं कि नदी में किस तरह से ठेले की दुकान लगाई जाती है, जहाँ पे आपको समोसा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी में ही दुकान लगती है। और आप देख सकते हैं सभी को यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रहे हैं अभी। और इधर देख सकते हैं डाक बम दौड़ते हुए, बोल बम। और यहाँ पे देखिए घोड़ा, घोड़े में भी बैठ करके आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। ये कुमारसार नदी का दृश्य आप देख रहे हैं, बोल बम दोस्तों। तो चलिए डे टू का इस ब्लॉग को, दूसरे दिन का इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं कुमारसार नदी में। और तीसरा ब्लॉग जो होगा डे थ्री का, वो जलेबिया पहाड़ से स्टार्ट होगा। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप घर बैठे कांवड़ यात्रा का दर्शन कर सकें। तो चलिए तीसरे ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंकर, बोल बम।